अस्सलाम वालेकुम डियर एंड वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं द सेकेंड इम्पोर्टेंट चार्टर टू बी नोन इज पिटिशन ऑफ राइट। एज यू नो दैट इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज स्कैटर्ड वन, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, मीन देर आर नंबर ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन बी डिराइव, नेमली कन्वेंशन, चार्टर, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुरिस्टिक वर्ड्स एक्सेट्रा। सर, प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था चार्टर को, जिसमें हमने पहला चार्टर डिस्कस किया, दैट वाज नोन इज मैग्ना कार्टा 1215, व्हिच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सर, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी नोन इज पिटिशन ऑफ राइट। सर, पिटिशन ऑफ राइट क्यों बना, वाई इट इज नोन इज पिटिशन, कौन कौन सी प्रोविजन इसमें डाले गए और पिटिशन ऑफ राइट किसने साइन किया, क्यों साइन किया, व्हाट आर द प्री इवेंट एंड व्हाट आर द पोस्ट इवेंट, टुडे हम उसको डिस्कस करेंगे एंड द इम्पोर्टेंट इवेंट कनेक्टेड विद पिटिशन ऑफ राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सर, पिटिशन ऑफ राइट बेसिकली दो अल्फाज हैं। नंबर वन, पिटिशन मतलब कोई पिटिशन है कि जो सर एडवर्ड ने एक पिटिशन ड्राफ्ट की, ये बात होती है 1628 की, और ये पिटिशन जो थी इट वाज अबाउट राइट, और ये साइन की गई, भिजवाई गई चार्ल्स वन को, भिजवाई गई और चार्ल्स वन ने 1628 को इसको साइन किया, इसलिए इसको बोलते हैं पिटिशन ऑफ राइट 1628, मींस एक ऐसा पिटिशन जो कि राइट के हवाले से है, इसको सर एडवर्ड कुक ने ड्राफ्ट किया और उस वक्त जो किंग था चार्ल्स वन, जो जेम्स वन का बेटा था, उसने इसकी अप्रूवल दी। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पिटिशन ऑफ राइट। सर, अगर हम इसको डिटेल में देखें कि ये जो पिटिशन ऑफ राइट है, इसको पिटिशन ऑफ राइट क्यों बोलते हैं, मतलब पिटिशन के बजाय ये कोई एक्ट क्यों नहीं है, ये कोई बिल क्यों नहीं है, इसको पिटिशन ही क्यों बोलते हैं। तो पिटिशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि इसको पिटिशन ऑफ राइट क्यों बोला गया। सर, जो पिटिशन है, सर पिटिशन का मतलब है कोई कंप्लेंट, कोई एप्लीकेशन, या सिंपल अल्फाज में जब हम ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं, कोई ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं अगेंस्ट किंग, तो ऐसे दरख्वास्त को बोला जाता है पिटिशन। सवाल यह है कि अगर किंग कोई गलत काम करता है या कोई लॉ की वायोलेशन करता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग क्यों नहीं इनिशिएट होती। सर, कन्वेंशन है यूके में कि यूके के किंग को उनके अपने कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, मतलब अगर किसी शख्स ने किंग को सू करना हो या किंग ने कोई गलत काम किया हो, इनजस्टिस की हो या लॉ की वायोलेशन की हो, तो बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग दायर की जाए, जो कि हो नहीं सकती, तो जो ऑफिशियल मोड है किंग को अपने ग्रीवेंसेज एड्रेस करने के लिए, दैट इज द सिंगल ऑप्शन, दैट इज अ सिंगल मोड टू बी नोन एज पिटिशन। मतलब ये हुआ कि किंग के खिलाफ किसी ने कोई ग्रीवेंसेज एड्रेस करने हैं, किंग से कोई राइट लेना है, कोई रेमेडी लेनी है, या किंग को बताना है कि आपने ये गलत किया है या ये आप इनजस्ट कर रहे हो, ये नाइंसाफी कर रहे हो, तो उसके लिए जो ऑफिशियल क्रॉस्पॉन्डेंस है, जो प्रॉपर मोड है, दैट इज राइटिंग ऑफ पिटिशन। इसीलिए सर एडवर्ड ने किंग को पिटिशन लिखा, मतलब एक कंप्लेन की, एक एप्लीकेशन लिखा जिसमें कुछ ग्रीवेंसेज लिखे। सर, अब ये जो किंग है ना, किंग को जब कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है या कोई पिटिशन आता है, तो वंस अगेन इट विल बी ऑन द स्वीट विल ऑफ द किंग के आया वो उसको एंटरटेन करता है या नहीं करता। अब किंग उसको एंटरटेन करता है या नहीं करता, अगर वो एंटरटेन करता है तो उसको कोर्ट में रेफर कर देता है, अगर वो उसको एंटरटेन नहीं करता तो उसको ख़त्म कर देता है। अब एक ऐसा पिटिशन है कि जो किसी के हवाले से है, राइट के हवाले से है। अब राइट क्या चीज़ है, राइट का मतलब ये है कि व्हेन एनी इंटरेस्ट व्हिच इज रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड, मतलब कोई इंटरेस्ट है, यानी कि कोई इंटरेस्ट है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है और उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, ऐसे इंटरेस्ट को लॉ में हम बोलते हैं कि ये राइट है। अब वो कौन सा लॉ है कि जिसने
अब कुछ राइट डिटरमिन किए थे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मैग्ना कार्टा 1215 में किंग जॉन से साइन करवाया गया। इस मैग्ना कार्टा में नंबर ऑफ राइट वर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। अब जो चार्ल्स वन है वो उन राइट को वायलेट कर रहा है। बहुत सारे ऐसी वजूहात है कि वो क्यों उसको वायलेट कर रहा था, क्यों उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। तो लिहाजा इन वायलेशन के हवाले से सर एडवर्ड ने एक पिटीशन ड्राफ्ट की, कंप्लेन की कि किंग साहब ये हमारे राइट्स हैं, सिटीजन के ये राइट्स हैं जो कि आप वायलेट कर रहे हो, लिहाजा ये राइट्स को आप वायलेट नहीं करो, इसको प्रोटेक्ट करो। सर ये वो राइट्स हैं जो कि चार्ल्स वन वायलेट कर रहा था, एक्सेसिव टैक्सेस इम्पोज कर रहा था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ट्रायल नहीं चला रहा था, विदाउट एनी कॉज बंदों को अरेस्ट कर रहा था, फोर्स लोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो इन सारे ब्रीचेज ऑफ लॉ को जो सर एडवर्ड कुक थे उसने एक पिटिशन की सूरत में किंग को फॉरवर्ड किया और किंग से 1628 में साइन लिए गए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिटिशन ऑफ राइट्स 1628। पिटिशन का मतलब ये हुआ कि कोई कंप्लेंट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए कुछ एलिगेशन फाइल किए हैं बिफोर अ किंग, क्योंकि किंग के अगेंस्ट तो हम सू ला नहीं सकते, किंग को तो हम सू कर नहीं सकते। तो लिहाजा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मोड होगा फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट किंग, दैट इज राइटिंग ऑफ पिटिशन। तो पिटिशन ड्राफ्ट की गई है सर एडवर्ड कुक की तरफ से और उस वक्त जो किंग था चार्ल्स वन उससे 1628 में साइन किया गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिटिशन ऑफ राइट। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये पिटिशन सर एडवर्ड को क्यों लिखनी पड़ी और किंग को क्यों साइन करना पड़ा, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड। तो जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल जब तक हम किसी चीज की हिस्ट्री नहीं जानते, हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस स्टडी नहीं करते, तो हमें सही मानों में स्पीकिंग ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है। तो लेट डिस्कस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम हिस्ट्री में जाएं सर, तो हिस्ट्री में जो किंग होता है इंग्लैंड का, सर किंग जेम्स वन का इंतकाल होता है कोई 1625 को। 1625 को किंग जेम्स वन की डेथ होती है और इस पर कन्वेंशन इनके बेटे या बेटियों में से किसी ने किंग या क्वीन बनना है। अब इनके बेटों में से नंबर वन पे है चार्ल्स वन, एलिजाबेथ स्टेवर्ट एंड नंबर थर्ड पे मार्गरेट स्टेवर्ट एंड इस तरह कुछ और। अब इस पर कन्वेंशन जो बड़ा बेटा चार्ल्स वन ये किंग बनता है, इसको किंग बना दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा किंग जेम्स वन के टेन्योर में लड़ाई चल रही थी और कोई 28-30 साल से ये खाना जंगी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसके दरमियान किंग जेम्स फौत हो जाता है एंड चार्ल्स वन जो है वो किंग बनता है। सर किंग चार्ल्स वन हकूमत करता है 1625 से लेकर 1649 तक। 1649 में इसका वीजा लगा दिया जाता है, एक बगावत होती है, एक रेबल्स का ग्रुप होता है क्रॉनवेल का सपोर्टर का, कि जो इनको पकड़ के इनको कत्ल कर दिया जाता है। सर किंग चार्ल्स वन जब हकूमत संभालता है, लेकिन इससे पहले ये किंग चार्ल्स जो है इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी। सर किंग चार्ल्स वन की वाइफ मारिया कैथोलिक बिलीफ रखती है और जब ये से शादी होती है तो प्रोटेस्टेंट में तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि किंग ने कैथोलिक से शादी की है, लिहाजा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी किंगशिप में आने की वो उसमें मिलावट होगी। सर कैथोलिक बिलीफ से, सर मारिया का ताल्लुक कैथोलिक बिलीफ से था जिसके ऊपर प्रोटेस्टेंट्स में तशवीश थी और प्रोटेस्टेंट्स ने ये भी क्लेम किया कि ये जो चार्ल्स वन है ना ये कैथोलिक वाइफ की वजह से कैथोलिक की तरफ झुकाव रखता है और प्रोटेस्टेंट को इग्नोर करता है, जिसकी वजह से इंग्लैंड में चार्ल्स वन के अगेंस्ट
कुछ कॉन्स्पेरेसी चली, मतलब यानी कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो चार्ल्स वन से इस वजह से नाराज थे। इसके अलावा इसके टाइम में मुख्तलिफ वार चल रहे थे, वार अगेंस्ट स्पेन एंड वार अगेंस्ट फ्रांस, क्योंकि इसके बाप के दौर से जेम्स वन की तरफ से ये लड़ाइयाँ चल रही थी। मीनवाइल इसकी हुकूमत आती है तो स्पेन के खिलाफ जंग और फ्रांस के खिलाफ जंग जड़ पे जारी हैं और इसको शदीद पैसों की ज़रूरत है और पैसे है नहीं। तो मीनवाइल ये क्या करता है, ये जो चार्ल्स वन है, चार्ल्स वन रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट कि भाई हमको फंड दे दो क्योंकि हमने जंग करनी है। फंड की रिक्वेस्ट होती है कि आवाम के ऊपर एक टैक्स लगाया जाए और उसका जो फंड होगा वो किंग को दिया जाए ताकि किंग क्या करे, किंग उसको जंग में इस्तेमाल करे। तो फंड का, फंड की रिक्वेस्ट की गई है किससे, पार्लियामेंट से। अब जब पार्लियामेंट के पास ये रिक्वेस्ट आई है, फंड का जिक्र हुआ है कि किंग फंड चाहता है कि उसको मजीद पैसे दिए जाएं वार के लिए, तो पार्लियामेंट ने फंड जारी करने के बजाय, यानी कि फंड के हवाले से लेजिस्लेशन करने के बजाय, यानी कि नया टैक्स लगाने के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी है उसके बजाय इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि फंड तो काफी सारा था, हमने तो काफी सारे पेमेंट की हुई है, बहुत सारा फंड मौजूद है, ये मजीद फंड क्यों मांगा जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इनको पता चला कि कोई शख्स है जिसका नाम है सर डॉक बिक्विंगम, जो कि मिलिट्री कमांडर है। इन्होंने सजेस्ट किया कि इसको इम्पीच किया जाए। बिक्विंगम है जो कि बेसिकली मिलिट्री कमांडर है, इसको इम्पीच किया जाए बिकॉज इस पर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारा फंड इसने मिसयूज किया, इसने ऑफिस का बेदरेग इस्तेमाल किया, अपने चहीतों को नवाजा है, हर जगह इन्होंने एक्सटेंशन की है, आई मीन टू से जहां पे जंग नहीं भी करनी वहां पे इसने जंग की है, कॉलोनीज बनाई है और पब्लिक फंड को मिसयूज किया है। लिहाजा पहले बिक्विंगम को क्या किया जाए, इम्पीच किया जाए। इसकी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब यह है कि किंग इस पे ऑर्डर जारी करे और उसको मिलिट्री कमांडर से खत्म कर दे। सर जी इम्पीचमेंट का यहां पर हम मतलब लेंगे कि किंग क्या करे, इसको जॉब से, यानी कि मिलिट्री कमांडर से इसको निकाल दें, इसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दे क्योंकि उसने अपने पावर को मिसयूज किया है और पब्लिक फंड को जाया किया है। अब सर मसला ये हुआ कि जब ये इम्पीचमेंट की दरख्वास्त किंग के पास पहुंची, बिक्विंगम साहब ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ चार्ल्स वन। अब मसला ये हुआ कि ये जो बिक्विंगम साहब है, बिक्विंगम साहब चार्ल्स वन के क्लोज फ्रेंड हैं। चार्ल्स वन इसको इम्पीच नहीं करना चाहता, बजाय इसको कि वो इम्पीच करे उसने इस पार्लियामेंट को ही डिजॉल्व कर दिया, ही डिजॉल्व द पार्लियामेंट। सर बजाय इसके कि वो मिलिट्री कमांडर को इम्पीच करता, उसने पार्लियामेंट को ही डिजॉल्व कर दिया बिकॉज वो जो बिक्विंगम था ही वॉज गुड फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ल्स वन, और चार्ल्स वन नहीं चाहता कि वो अपने फ्रेंड को इम्पीच करे क्योंकि ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर, उसके ऊपर उसका काफी ट्रस्ट था, उसके लिए उसने काफी सारे काम किए थे। तो लिहाजा अपने दोस्त को बचाने के लिए इन्होंने उस पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दिया। कुछ टाइम के बाद ये दूसरा पार्लियामेंट कॉल करता है, बात होती है 1626 की। सर 1626 में किंग दोबारा पार्लियामेंट को कॉल करता है, रिकन्वेंट द पार्लियामेंट, इस उम्मीद के साथ कि यहां से फंड मिल जाएगा, यानी कि वो टैक्स के हवाले से लेजिस्लेशन कर लेंगे और वार के लिए फंड मिल जाएगा। लेकिन उस पार्लियामेंट ने भी पुरानी कहानी दोहराई, मुराद के पहले पार्लियामेंट ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक जिसको इम्पीच करना है, मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था बिक्विंगम, उसको पहले इम्पीच करो, उसके बाद फिर हम टैक्स के हवाले से, फंड के हवाले से बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने भी इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, फंड नहीं मिले। अब किंग ने क्या किया, किंग ने इस पार्लियामेंट को भी डिजॉल्व कर दिया। इसका मतलब ये हुआ एक पार्लियामेंट पहले डिसॉल्व किया, बात नहीं बनी, दूसरा पार्लियामेंट अपनी मर्जी का, उसने भी टैक्स देने से इनकार कर दिया और डिमांड रखी कि जो मिलिट्री कमांडर है बिक्विंगम उसको इम्पीच किया जाए, तब नेक्स्ट स्टेज पे बात हो सकेगी। किंग चार्ल्स वन ने उस पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया कि आप किंग के पॉलिसी में
मुदाखलत कर रहे हो, लिहाजा ऐसे पार्लियामेंट हमें नहीं चाहिए। अब किंग क्या करता है, किंग फोर्स लोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। किंग ने कहा कि अब फोर्स लोन हर सिटीजन जो कैपेबल है या नहीं है, अगर किंग समझता है कि वो लोन दे सकता है तो मैंडेटरी होगा उस सिटीजन के लिए कि वो किंग को क्या दे, लोन दे। विदाउट द कंसेंट ऑफ सिटीजन लोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि या तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा, यानी कि या तो वो कोई चीज किंग को गिफ्ट करेगा या फोर्स लोन देगा, भले आपकी मर्जी है या नहीं है। किंग ने हाथ रख दिया कि भाई इतना पैसा दे दो इस लोन, आपने पैसा देना है, और कहा कि अगर कोई शख्स इनकार करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज होगी और विदाउट एनी ट्रायल ये सब कुछ होगा। तो भाई किंग साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, फोर्स लोन कैसे खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि मैग्ना कार्टा में तो लिखा हुआ था, बाद में जो प्रेसिडेंट्स बने, कि आप पार्लियामेंट के मुताबिक यानी कि पार्लियामेंट के जरिए सारी चीजें करवाओगे, खुद से कैसे कर सकते हो। तो किंग ने ये कहा कि चूंकि मैं किंग हूं एंड आई कैन एक्सरसाइज रॉयल प्रीरोगेटिव। सर, रॉयल प्रीरोगेटिव को एक्सरसाइज करते हुए चार्ल्स वन ने फोर्स लोन इम्पोज किया, मतलब कहा कि ये मेरे इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी की सूरत में मैं इस तरह का कदम उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किंग हूं और किंग मैं खुद से नहीं हूं और मुझे गॉड ने किंग बनाया हुआ है, तो इट इज माई डिवाइन राइट टू रूल। तो लिहाजा मैं हर वो काम जो आवाम के मफाद के लिए होगा, भले उसमें मुझे पार्लियामेंट या कोई और सपोर्ट न करे, मैं रॉयल प्रीरोगेटिव को एक्सरसाइज करते हुए वो काम कर सकता हूं। इस वक्त फंड लेना, वार करना आवाम के मफाद में है। बींग डिवाइनली अपॉइंटेड, इट इज माई अटमोस्ट ड्यूटी टू एक्सरसाइज रॉयल प्रीरोगेटिव, दैट्स वाई मैं आवाम के ऊपर फोर्स लोन लगा रहा हूं। आवाम बाउंड होंगे कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, लोन देंगे किंग को, क्योंकि किंग उनकी मफाद की जंग लड़ रहा है और ये सारे काम आवाम के मफाद के मुताबिक है। इसलिए किंग को ये इख्तियार है कि वो रॉयल प्रेरोगेटिव यानी कि वो डिस्क्रिशनरी पावर जो इमरजेंसी में वो एक्सरसाइज कर सकता है वो करे और आवाम के ऊपर फोर्स लोन लगाए, और किंग ने ऐसा ही किया। सर, इसकी वजह से लोगों ने बगावत की, लोगों ने इनकार किया कि हम ये फोर्स लोन नहीं पे करेंगे, जिसकी एवज बहुत सारे नोबल्स को, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, उसकी प्रॉपर्टी छीनी गई, 70 नाइट्स को अरेस्ट किया गया। सर, ये नाइट्स वो नोबल लोग हैं कि जिसको उसके काम की वजह से टाइटल मिला होता है। इंग्लैंड में अगर कोई शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट देता है, आवाम के मफाद के लिए कोई काम करता है, तो उस शख्स को नाइट का टाइटल मिलता है, यानी कि मेल के लिए नाइट और जो फीमेल होगी उसके लिए डेमहुड, नाइटहुड इन डेमहुड। मेल के लिए नाइटहुड और फीमेल के लिए डेमहुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइटल है, वो तब मिलता है जब कोई शख्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। सर, इंग्लैंड में 70 नाइट्स थे, यानी कि टाइटल होल्डर थे कि जिन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत बेतहाशा काम किए थे, उनके अपनी फील्ड में बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी, उनको अरेस्ट किया गया इस जुर्म में कि आप लोन नहीं दे रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई, उनके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की गई, लिहाजा एक सिविल वार इनिशिएट होती है। सर, इसके नतीजे में एक सिविल वार स्टार्ट होती है, अवाम में बगावत की लहर स्टार्ट होती है, और ऊपर से बॉर्डर के ऊपर फौजें पहुंच जाती हैं और किंग मजबूर हो जाता है कि एक और पार्लियामेंट बुलाए। तो फाइनली एक और पार्लियामेंट बुलाया गया, किंग ने ही कॉल थर्ड पार्लियामेंट बुलाई गई ताकि आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल हो और इंग्लैंड जो स्पेन और फ्रांस के अगेंस्ट जंगे लड़ रहा है उसमें उसको सपोर्ट हासिल हो। सर, इस थर्ड पार्लियामेंट में एक शख्स था जिसका नाम था सर एडवर्ड। सर, ये वो शख्स है, सर एडवर्ड कुक, कि जिसको चार्ल्स वन के वालिद जेम्स वन ने रिमूव किया था, डिसमिस किया था। He was removed. ये चीफ जस्टिस थे और जेम्स वन ने, जो कि चार्ल्स वन का बाप था, उसने इसको रिमूव किया था कि आप पॉलिसी में इंटरफेरेंस कर रहे हो। सर, यही एडवर्ड कुक ने किंग को कहा कि टेक्स तो बात की बात है, पहले ये राइट जो हमारे हैं जिसकी आप वायलेशन कर रहे हो, इसकी तस्दीक कर दो
कि किंग इनकी पासदारी करेगा और किंग जो वायलेशन है वो नहीं करेगा। तो सर एडवर्ड ने किंग के अगेंस्ट जो ग्रीवेंसेस थे, जो कंप्लेंट थे कि किंग ये कर रहा है, किंग हमारे राइट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, किंग मैग्ना कार्टा को वायलेट कर रहा है, वो एक कंप्लेंट की सूरत में लिखे और चार्ल्स वन को भिजवा दिए। सर इस कंप्लेंट को बोला गया कि ये बेसिकली क्या है, कंपटीशन है, क्योंकि किंग को एड्रेस करने का एक ही मोड है कोरस्पॉन्डिंग का, कम्युनिकेशन का, कि अगर किंग को एड्रेस करना है या किंग से कोई ग्रीवेंसेज है, कोई राइट लेना है, तो उसको सू तो किया नहीं जा सकता। जो फॉर्मल तरीकाकार है दैट इज राइटिंग ऑफ पिटिशन। तो पिटिशन ड्राफ्ट की गई, सर एडवर्ड ने ये पिटिशन ड्राफ्ट की और सर एडवर्ड ने जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड का कंबाइंड सेशन बुलाया और सर एडवर्ड ने वो रिजर्वेशन रखे कि किंग ये वायलेशन कर रहा है, किंग ये वायलेशन कर रहा है। सब ने मिलकर इसको फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, किंग चार्ल्स वन था। उन्होंने 1628 को ना चाहते हुए भी इस पिटिशन को साइन किया ताकि ये कानून बन सके। इस पिटिशन में चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को एड्रेस किया गया जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सर ध्यान में रखिएगा, किंग चार्ल्स वन ने इस पिटिशन को साइन तो किया लेकिन लेटर ऑन इसको माना नहीं। चार्ल्स वन ने पिटिशन को साइन किया जिसकी वजह से अवाम में कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और सडनली वो जो वार थी वो भी एंड हो गई। सर पिटिशन के फौरन ही बाद वो जो जंग थी वो भी खत्म हो गई। देर आर नंबर ऑफ अदर रीजन कि किस वजह से जंग जो है वो खत्म हो गई, इंटरवल आ गया वार में, ये वार भी स्टॉप हो गई, तो लिहाजा किंग को मजीद फंड की भी जरूरत नहीं पड़ी, टैक्स भी नहीं इम्पोज करना पड़ा, लिहाजा किंग भी समहाउ मुतमइन हुआ, पार्लियामेंट भी मुतमइन हुई और आवाम में भी खैर की लहर दौड़ी कि अब मजीद टैक्सेस लागू नहीं होंगे। सर अब देखते हैं कि इस पिटिशन में था क्या क्या, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या थे जिसको हम बोलते हैं कि ये पिटिशन ऑफ राइट है। पिटिशन ऑफ राइट में कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया गया, यानी कि कौन कौन से राइट का जिक्र किया गया, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ पिटिशन ऑफ राइट। पिटिशन ऑफ राइट में 4 पॉइंट्स थे, बेसिकली 4 प्रिंसिपल थे कि जिसको एड्रेस किया गया, जिसमें 2 पॉइंट, 2 फंडामेंटल राइट पुराने और 2 नए एड किए गए। नंबर 1, पिटिशन ऑफ राइट में कहा गया कि नो टैक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान में रखिएगा ये वो फंडामेंटल राइट है जो मैग्ना कार्टा में इंसर्ट हुआ था, लेकिन फर्क यहां पे ये हुआ कि मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ था कि टैक्स नहीं इंपोज किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ बैरन या वो जो लॉर्ड थे। यहां पर बोला गया कि पार्लियामेंट की अप्रूवल दरकार होगी, किंग खुद से कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकेगा। और कहा नो पनिशमेंट विदाउट काज, बगैर किसी वजह के किंग किसी के ऊपर पनिशमेंट इंपोज नहीं करेगा, और अगर कोई वजह भी बनती है तो बकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ट्रायल होगा, उसके मुताबिक पनिशमेंट दी जाएगी। किंग के मर्जी से किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, विदाउट काज कोई अरेस्ट नहीं होगा, अगर कोई अरेस्ट होता है तो प्रॉपर इसका ट्रायल होगा, यानी कि फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट। ये वो बातें हैं कि जो पहले, ये वो बातें हैं कि जो ऑलरेडी मैग्ना कार्टा में बताई हुई थी। सर मैग्ना कार्टा में बोला गया था कि पनिशमेंट अगर इम्पोज करनी है तो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड या इन अकॉर्डेंस विद द लॉफुल डिसीजन ऑफ हिज पीर, जो कि 5 कैटेगरीज थे, हमने डिस्कस किए थे कि वो जो लॉर्ड हैं उनमें से जो 5 नोबल टाइटल है, जो 5 रिंग्स हैं पीरेज के लॉर्ड्स में, जिसके सबके ऊपर डॉक एंड द एंड बैरन, जो 5 कैटेगरीज हैं उनके डिसीजन के मुताबिक पेनल्टी इंपोज हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। यहां पर लिख दिया गया कि नो अरेस्ट, नो डिटेंशन, नो पनिशमेंट विदाउट काज, और अगर है तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सर 2 प्रिंसिपल, 2 राइट नए इंपोज किए गए और उसमें सोल्जर को एड्रेस किया गया। दिस इज बेसिकली
द री एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ हेबियस कार्पस, कि किसी को किंग हस्बे बेजा में नहीं रखेगा, अगर वो किसी को अरेस्ट करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, यानी को विदाउट काज किसी को डिटेन किंग नहीं कर सकता, और अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है उसकी कोई वॉयलेशन हुई है उससे कोई लॉ की, तो बकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, किंग खुद से किसी को पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकता। सर तीसरा प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस किया गया, इट वॉज टोटली न्यू प्रिंसिपल, ये बात थी कहते नो क्वार्टरिंग, क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर एंड सिटीजन होम विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर, अगर ओनर परमिशन देता है तो ठीक बात है, अदरवाइज ओनर के कॉन्सेंट के बगैर कोई फौजी किसी सिटीजन के घर में नहीं रह सकता, उसकी पोजीशन नहीं ले सकता, सिटीजन को अपने घर से बेदखल नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि मिलिट्री के ऊपर सोल्जर के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर दी, कि जैसे पहले सोल्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इंग्लैंड में वार की सूरत में या ड्यूरिंग पीस एक्सरसाइज की सूरत में किसी के भी मकान में चले जाते थे और वहां पर रहना स्टार्ट कर देते थे, तो इसको मना कर दिया गया कि कोई फौजी किसी सिटीजन के घर में बगैर उसकी इजाजत के यानी कि ओनर की इजाजत के नहीं रह सकता। एंड नंबर फोर्थ कहा कि नो मार्शल लॉ ड्यूरिंग पीस टाइम, कहा नो मार्शल लॉ इन पीस टाइम, अमन की सूरत में मार्शल लॉ को नहीं लगाया जाएगा और मार्शल लॉ के तहत किसी शख्स पे पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं इम्पोज की जा सकती। सर इससे पहले किंग जब चाहता था मार्शल लॉ इम्पोज करता था और मार्शल लॉ के तहत लोगों को पनिशमेंट देता था, तो यहां पर सर एडवर्ड ने पिटिशन ऑफ राइट में ये क्लास भी इंसर्ट की कि अगर पीस टाइम है, जंग है, फिर तो ठीक है, फिर तो फौजियों की हुकूमत है, जंग है, उन्हीं का कानून चलेगा, लेकिन अगर पीस टाइम है तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा और मार्शल लॉ के तहत किसी सिटीजन को पेनल्टी नहीं दी जाएगी। सर ये चार प्रिंसिपल्स, चार पॉइंट पिटिशन ऑफ राइट में एड्रेस किए गए और इन चार के ऊपर चार्ल्स वन से साइन लिए गए ताकि ये कानूनी डॉक्यूमेंट बन सके। ये बात होती है 1628 की। सर जहन में रखिएगा, इसलिए इसको बिल भी नहीं बोलते, इसलिए इसको एक्ट भी नहीं बोलते, इसलिए इसको बोलते हैं पिटिशन ऑफ राइट, गो कि ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। लेटर ऑन एक और पार्लियामेंट से भी इसकी अप्रूवल दिलाई गई। सर दैट्स वाई इट इज नोन एज पिटिशन ऑफ राइट, क्योंकि एक एप्लीकेशन थी, एक कंप्लेन थी कि जो हाउस ऑफ कॉमन की तरफ से ओरिजिनेट हुई थी और उसके ऊपर उस वक्त के किंग चार्ल्स वन से साइन लिए गए थे, तो लिहाजा इसको सही मानों में एक्ट भी नहीं कहा जा सकता। जो प्रॉपर वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है दैट इज पिटिशन ऑफ राइट, क्योंकि किंग को जब हम एड्रेस करते हैं, किंग से जब कोई रिलीफ मांगते हैं या किंग को जब हम ये बावर कराते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये इलीगल काम कर रहे हो, आपने प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई की हुई है, फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट किंग, जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग का मोड है दैट इज पिटिशन। तो ये एक पिटिशन थी जो के बाद में एक पिटिशन थी जो चार्ल्स वन से साइन कराई गई। सर ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसकी वजह से पार्लियामेंट को मजीद पावर मिले और रूल ऑफ लॉ की तरफ एक और स्टेप बढ़ा और किंग से पावर ले लिए गए। ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि इंग्लिश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, कुछ चार्टर जैसे मैग्ना कार्टा, जैसे पिटिशन ऑफ राइट, जैसे बिल ऑफ राइट, जैसे जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिराइव होता है। सर इस पिटिशन ऑफ राइट को सर पिटिशन ऑफ राइट को साइन तो किया गया, चार्ल्स वन ने इसके ऊपर साइन तो किए, लेकिन ठीक एक साल बाद चार्ल्स वन ने दोबारा पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। सर चार्ल्स वन ने पिटिशन ऑफ राइट तो साइन किया 1628 को, लेकिन इसी पार्लियामेंट को 1629 को उसी पार्लियामेंट को दोबारा डिसॉल्व किया और 11 साल तक विदाउट एनी पार्लियामेंट रूल किया। फॉर 11 ईयर ही रूल विदाउट पार्लियामेंट, और इसी एरिया को बोला जाता है पर्सनल रूल। या 12 ईयर ऑफ टेरेनी, जुलम के 11 साल। सर चार्ल्स वन ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के बाद 11 साल अपनी मनमानी की, कोई पार्लियामेंट नहीं है, खुद से ये रूल कर रहा है। एंड वंस अगेन
ये फोर्स लोन, फोर्स गिफ्ट। सर वंस अगेन चार्ल्स वन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के बाद दोबारा फोर्स लोन इंट्रोड्यूस करता है, फोर्स गिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, वही जो नहीं देता तो उसको अरेस्ट करता है, उसके ऊपर टॉर्चर करता है। मतलब वो पुराने जो इसने सेल्फ रूल्स बनाए थे उसको दोबारा इंप्लीमेंट किया, लोगों ने फिर बगावत की, इवन कुछ लोग ने पिटिशन लगाई, चीफ जस्टिस के सामने गए, चीफ जस्टिस के सामने ये रूल चैलेंज हुए कि किंग साइन करने के बाद भी दोबारा लोन ले रहा है, जबरदस्ती गिफ्ट वसूल करवा रहा है, जबरदस्ती लोन ले रहा है और लोगों को विदाउट कॉज अरेस्ट कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने इसके इन तमाम टैक्सेस को इलीगल डिक्लेयर किया। चार्ल्स वन का कहना कि ये कोई कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है पिटिशन ऑफ राइट, तो लिहाजा मैं पाबंद नहीं हूं इस चीज का, और चीफ जस्टिस साहब आप हमारे पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हो, चीफ जस्टिस को भी डिसमिस कर दिया। ही डिसमिस द देन चीफ जस्टिस, उस वक्त जो चीफ जस्टिस था ही वाज सर रॉबर्ट, सर रॉबर्ट को डिसमिस कर दिया गया। जहन सर इन सारी चीजों से फिर सिविल वॉर स्टार्ट होता है एंड 1649 को चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ही वॉज बीहेडेड एंड 1649। सर ये वो सारी इवेंट्स हैं कि जिसके बेस पे फिर लेटर ऑन बिल ऑफ राइट इंट्रोड्यूस हुआ और 11 किस्म के राइट्स गारंटेड किए गए। सर सिविल वार की सूरत में चार्ल्स वन को जब एग्जीक्यूट किया गया, बीहेडेड किया गया, उस वक्त जिसने पावर गेन की थी ही सर ओलिवर क्रोमवेल, जो कि कामनर का आम सिटीजन का सपोर्टर था और उसकी जंग रही रॉयल्स के साथ, मतलब बादशाह के लोगों से आवाम की जंग हुई, सिविल वार की सूरत इख्तियार कर गई। सिविल वार की सूरत में ओलिवर क्रोम ने जो है वो ओलिवर क्रोन ने हालातों कंट्रोल किया, इंग्लैंड को कंट्रोल किया और उनके सपोर्टर ने चार्ल्स वन को 1649 में बीहेडेड कर दिया। इसी तरह इसके टेन्योर का खात्मा हुआ। 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था, किंगशिप खत्म। सर इस टेन्योर में 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था, देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लिश हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस रिजीम। द रीजन बिहाइंड कि यहां पे ओलिवर क्रोन ने इसको कॉमनवेल्थ यानी कि रिपब्लिक बना दिया था, मोनार्की को ओलिवर ने खत्म कर दिया, कहा कि मोनार्की नहीं होगी बल्कि ये रिपब्लिक होगा और ये कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ। सर रिपब्लिक इंग्लैंड क्या होगा, रिपब्लिक होगा और ये कॉमनवेल्थ रिपब्लिक होगा, ये कॉन्सेप्ट ओलिवर क्रोमवेल का था। ये 1660 तक गया, 1660 में जो मोनार्की थी वो रीइंस्टेट होती है, मोनार्की दोबारा बहाल होती है और चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू को किंग बना दिया गया। ध्यान में रखिएगा इतने बड़े जंग के बावजूद भी इन्होंने किंगशिप को मुकम्मल खत्म नहीं किया, मोनार्की को मुकम्मल खत्म नहीं किया, क्योंकि कस्टम है, क्योंकि ट्रेडिशन रही है। इतना किया कि पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि चार्ल्स वन के टेन्योर से कंट्रोल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सर 1649 में चार्ल्स वन का खात्मा होता है, 1660 में दोबारा मोनार्की बहाल होती है और इसी चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू किंग बनता है। लेकिन चार्ल्स वन एंड चार्ल्स टू के मोनार्की में जमीन आसमान का फर्क, चार्ल्स वन की जो मोनार्की थी वो एब्सोल्यूट मोनार्की एंड चार्ल्स टू की जो मोनार्की है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि पार्लियामेंट का अख्तियार होगा और किंग क्या होगा, नॉमिनल होगा। सो सर दीज आर दी मोटी मोटी इवेंट्स रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग पिटिशन ऑफ राइट जो कुछ पहले हुए और ये जो प्री इवेंट्स हैं ये बेसिकली
बिल ऑफ राइट के लिए भी वो ग्राउंड है. सो सर दीज आर द मोटी मोटी इवेंट्स रिगार्डिंग व्हाट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंग्लैंड इन टर्म ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन टर्म ऑफ इंपोर्टेंट चार्टर टू बी नोन इज मैग्ना कार्टा पिटिशन ऑफ राइट एंड बिल ऑफ राइट. सर ये वही सारे इवेंट्स हैं जो के बाद में बेस बने बिल ऑफ राइट के लिए, क्योंकि पिटिशन ऑफ राइट साइन तो हुआ लेकिन एक साल बाद चार्ल्स वन ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और फिर वही अपने रूल्स को स्टार्ट किया और फिर वही टैक्सेस इंपोज किए, यानी कि खुद से ही वो रूल कर रहा था 11 साल तक. फिर बगावत होती है, सिविल वार स्टार्ट होता है, ग्रेट रिवॉल्यूशन आती है. एंड सर इन सारे इवेंट्स की वजह से बाद में इन सारे इवेंट की वजह से सब्सिक्वेंटली बिल ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूट होता है, बिल ऑफ राइट ड्राफ्ट होता है, वो पास होता है. सर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बिल ऑफ राइट क्या था, बिल ऑफ राइट क्यों आया, बिल ऑफ राइट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे. अब तक के लिए इतना ही. मजीद मालूमात के लिए प्लीज रीड द बुक. द खुदाए पामान.